कंपनी के आदमी तो हैं, लेकिन पढ़ के कहीं नहीं आए अपने देसी गांव में ही रहते थे सत्रह साल तक वहीं पुलिया पे बैठते थे सिटी वही मार रहे हैं जो सबसे ज्यादा पुलिया पे बैठे हैं। <laughs> जबरदस्त ट्यूशन मिलता है वहां पे जो अपना ब्रज क्षेत्र है सारी गालियां जो बनती हैं लेटेस्ट वहां सिखाई जाती हैं बीबीसी मीडिया भी इतनी जल्दी रिपोर्टिंग नहीं करता जितनी जल्दी पुलिया पे खबर आती है तो हमसे जो उम्र में बड़े रहते वो ट्यूशन देते थे सर समझ गए मेरी बात को तो वहां बैठते थे अपन क्या होता है ड्रीम फ्रीम डायमंड वायमंड ये वो कुछ नहीं जानते थे बस मम्मी पापा के होटल में खाना खा रहे थे मजे लेते थे और क्या है दोस्तों जिंदगी में कोई ऐसा कुछ खास बड़ा करने का ऐसा कुछ था नहीं कोई ऐसा ट्यूशन देने वाला भी नहीं था हमें कि तुम्हें तो कुछ बड़ा करना है मेरे पिताजी को आवट थोड़ी पड़ के आते किसान बनने के लिए क्या होता है अपना देसी काम करो और कर रहे थे वही लेकिन ये बिजनेस में आया ज्वाइन किया माँ गुरु के संपर्क में आया सर के सानिध्य में रह करके और जब मैं इन लोगों की सोबत में आया जब मेरी संगत बदली और जब ऐसे लोगों के बीच में मैं रहने लगा लगातार ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शनों में आने लगा लगातार हर सेमिनार में मैं जब आने लगा मेरी सोच बदली उम्र जरूर कम थी लेकिन उस कम उम्र में एक डिसीजन ले लिया कि एक न एक दिन कुछ भी हो जाए डायमंड जरूर बनकर दिखाना है ये मेरे जिंदगी का ड्रीम है ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट लिया एक बार जिंदगी में अब मेरे अब तक मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था मैं बेमकसद जिंदगी को जी रहा था मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या करना है मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या बनना है लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका था और वो दिन 24 अक्टूबर 2004 का था उस दिन मैंने कसम खाई थी ग्वालियर होटल सीता मैनोर के अंदर तस्वीर एक दिन इस कंपनी में डायमंड जरूर बनेगा कुछ भी हो जाए ये मैंने कसम खाई दोस्तों और वो दिन लेकर के वो दिन लेकर के मैंने काम की शुरुआत करी बहुत ज्यादा अच्छी स्टार्टअप नहीं मिला और बोलते हैं इंसान की ओपनिंग अच्छी हो ना हो उसे फर्क नहीं पड़ता इतिहास की दीवार पर नाम उसका नहीं लिखा जाता जिसका आगाज बड़ा होता है इतिहास की दीवार पर नाम उसका लिखा जाता है जिसका अंजाम बड़ा होता है थैंक यू और अंजाम आखिरी सांस तक हर एक आदमी के हाथ में रहता है वो अंजाम कहां पे जिंदगी को पहुंचाना है वो उसके हाथ में रहता है मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं बिल्कुल नौसिखिया था मुझे वक्त लगा क्योंकि मैं ये सब बातें जानता नहीं था कॉरपोरेट जगत में मैं फर्स्ट टाइम आया था लेकिन थैंक्स टू सिस्टम थैंक्स टू अपलाइन एक एक चीज सिखा दी ए से लेकर के जेड तक काम करता रहा सीखने के लिए तैयार था और मैं बता देना चाहता हूं तमाम लोग रिजल्ट को लेकर के रोना रोने लगते हैं बोले सर मुझे भर हो गया सर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ भाई साहब किस्मत का ताला जिस दिन खुलना होता है ना उस दिन फटाक से खुलता है वो किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती उसको मुझे भी वक्त हो चुका था साढ़े तीन साल काम करने के बाद भी मैं गोल्ड था इस बिजनेस में साढ़े तीन साल काम करने के बाद भी ताली बजाने की बात नहीं है ये परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी नहीं थी हम हाँ, एक बात सोच सकते हो लेकिन इतना हिम्मत वाला आदमी कि साढ़े तीन साल काम करके मैं काम कर रहा था फिर भी मुझे यकीन था आज नहीं तो कल बाहर आएगी लगा रहे दिल किनारे से कभी ना कभी तो लहर आएगी तो बस इंतजार अच्छे लोगों का था कभी न कभी तो वो लोग आएंगे ट्रेनिंग मीटिंग में ये सब बातें अचीवमेंट देखता था मेरे अंदर भी हौसला बढ़ता था और मुझे यकीन अपनी मेहनत पर था कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा और मैं ला के दिखाऊंगा क्या करना पड़ेगा उसके लिए वो मैं करके दिखाऊंगा और दोस्तों जब आपकी मेहनत का कोटा पूरा जिस दिन हो जाता है उस दिन से आपकी डायमंड शिप की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और मुझे फिर वक्त नहीं लगा मैं बता दू साढ़े तीन साल तक गोल्ड जरूर बना रहा फिर लेकिन अगले डेढ़ साल में डायमंड बन गया मैं आपके सामने खड़ा हूं एवरेज डायमंड बिलो एवरेज डायमंड कहेंगे पांच साल लगी मुझे डायमंड बनने में बहुत एक्सीलेंट डायमंड नहीं था मैं एवरेज और एवरेज से भी नीचे वालों में था बन गया यह भी बड़ी बात है हेलो बन गया ये भी बड़ी बात है मेरे लिए तो ये काफी था मेरा तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था डायमंड बनना है कुछ भी हो जाए पांच साल में ही सही छह में भी बनता तो भागता नहीं सात भी लगती तो भी नहीं जाता सही बता रहा हूं आपको क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अगर मैं बीस साल में भी डायमंड बनूंगा मैं उनसे बेहतर रहूंगा जो चालीस साल तक एक ही काम करते रहते हैं फिर भी उनकी जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं आती मैं उनसे बेहतर रहूंगा काम जब समझ आ गया फिर आगे की रफ्तार तो आप समझ लो कि बुलेट ट्रेन क्या है अपनी टीम तो उससे भी तेज चली और आज आपके सामने इंडिया की नंबर वन टीम को लीड करते नंबर वन टीम पूरे इंडिया की अचीवमेंट ढेर सारे हैं जो एक रॉयल जिंदगी जो हो सकती है इस बिजनेस की वजह से मिली है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अमीर तो बनूंगा तो ठीक है लेकिन इतना अमीर बन जाऊंगा इतना मेरे को भी भरोसा नहीं था आपको सच बता रहा हूं जब भी कभी मैं सोचता हूं कि ये मैं ही हूं जो मेरे लिए बोल रहे मेरे लिए बोल रहे सही में यकीन नहीं होता मेरे लिए बड़ी बात है आज इतने लोगों के सामने मैं बात कर रहा हूं इतने लोग मेरे लिए ताली बजा रहे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं अगर ये सिस्टम ना हो और ये अपलाइनों की अगर मोहर ना लगी हो तो तस्वीर की कोई वैल्यू नहीं है सच्चाई के साथ बता रहा हूं आपको मैंने अभी एक नई कॉलोनी में शिफ्ट किया सवेरे सवेरे सत्रह तारीख की बात है नवंबर में मैं अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था वही अपनी वाली बी तो मेरी बराबर में एक और व्यक्ति थे वो बैगनार साफ कर रहे थे वो आए पहले गाड़ी का चक्कर काटा उसके बाद में पूछते हैं ये कितने की है तो मैंने बताया पचास लाख की है बोले बहुत बढ़िया एवरेज कितने का देती है मैंने बताया बारह चौदह का दे देती है बोले अच्छा एवरेज है फिर उसके बाद में उन्होंने बोला आपके साहब क्या करते हैं समझ गए ना हम बात को वो बंदे को किसी एंगल से लगा नहीं होगा इसकी तो हो ही नहीं सकती है मैंने उनको बोला हमारे साहब नहीं हमारी मैम साहब है अच्छा आप मैम साहब की नौकरी करते हो हाँ जी तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी मैंने जो उनको लगता है वो दे देती हैं। वो बंदा आपके सामने खड़ा है जिसकी अपनी गाड़ी को लोग नहीं मानते इसी की होगी